Hello friends, welcome to DCS Learning. Good morning everyone. Now in this video, बहुत important चीज हम discuss करने वाले हैं. So many of you were asking that in official website there is no notification about RIE CEE. See, I told you yesterday कि कल छुट्टी था, कल संडे था, इसलिए कल अपडेट नहीं हुआ था. आज आप देख सकते हो कि ऑफिशियल वेबसाइट में पूरा इन्फॉर्मेशन अपडेट हो चुका है. ठीक है, तो जब आप गूगल क्रोम यूज करना, देखो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, मोबाइल में कर रहे हो, लैपटॉप में कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, गूगल क्रोम यूज करना. ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, यू हैव टू यूज गूगल क्रोम फॉर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन. ओके, क्योंकि बाकी कुछ और यूज करते हो तो वहां पे गलत सलत वेबसाइट दिखाता है. मैं बताता हूँ कैसे एग्जांपल. तो यहाँ पे आरआईसी जब गूगल क्रोम में सर्च करोगे तो यहाँ पे जब लिखा होता है www.cee.ncert.gov.in, यही जो है आरआईसी का ऑफिशियल वेबसाइट है. रिमेंबर दिस, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर आरआईई. कहाँ पे लिख के रख सकते हो आप, ठीक है, आप इसको चाहो तो लिख के रख सकते हो. हमेशा जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा ऑफिशियल, वो इसी एंट्रेंस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसी वेबसाइट में मिलेगा, cee.ncert.gov.in. अब जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देख सकते हो वेलकम टू एनसीईआरटी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021. मतलब अभी जो है वेबसाइट अपडेट है. कल वाले वीडियो में अगर देखोगे तो वहां पे 2020 लिखा था. तो आई विल एक्सप्लेन यू डिटेल इन्फॉर्मेशन, लेकिन आप मतलब गलती ना करो, इधर उधर गलत इन्फॉर्मेशन ना देखो. इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कैसे लोग गलती करते हैं. यहाँ पे आप चैनल कमेंट्स देखोगे तो कुछ कमेंट्स यहाँ पे है कि देखो मैं बताता हूँ आपको, कुछ कमेंट्स दिखाता हूँ. जैसे कि यहाँ पे एक कमेंट, यहाँ पे देखो, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सर, यहाँ पे बोल रहे कोई पता नहीं इजी मैथ्स, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन 2018 में जिन्होंने अपियर किया है वो अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद एक और यहाँ पे, एक और यहाँ पे शबनम कुमारी जी भी बोल रहे हैं कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इनके कहने का मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इस बार दिखा रहा है कि जो 2018 में पास आउट है वो भी एलिजिबल है आ रही कि ऑफिशियल वेबसाइट में, पता नहीं इन्होंने इसको कहाँ देखा. ठीक है, अब हम आपको प्रूफ करते हैं. शायद इन्होंने, देखो आप कहीं गूगल क्रोम छोड़ के कुछ और यूज करोगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जब आप कोई और ऐप से यूज करोगे, ठीक है, कोई और ऐप से आप जब RIEE सर्च करोगे तो वहां पे पहला ऑप्शन ऑफिशियल वेबसाइट का नहीं आता, शिक्षा.com, mi.com, इस तरह का जो है नॉन ऑफिशियल वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन आता है. तो इसीलिए गूगल क्रोम का इस्तेमाल करना. ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2018 वाले अप्लाई कर सकते कि नहीं 12th पास आउट, तो मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा. ये RIEE का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है. ठीक है, यहाँ पे जब आप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में जाओगे, देखो क्लियरली मैं आपको सारी चीज दिखाता हूँ. यहाँ पे क्या लिखा है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में जब आप क्लिक करोगे तो आपको जिसके लिए अप्लाई करना है वो सबका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा. किसी को बिलीव नहीं करना है, अपने आंखों को बिलीव करना है, खुद से सर्च करना है ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, खुद से सर्च करना है. अगर हमारे बात पे बिलीव भी नहीं है तो खुद से सर्च करो. देखो 12th के बाद क्या क्या एग्जाम दे सकते हो, 12th के बाद आप BA/BEd दे सकते हो, BSc/BEd दे सकते हो और M.Sc/Ed दे सकते हो. BA/BEd, BSc/BEd 4 साल का होता है, ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड इसको कहते हैं, और M.Sc/BEd जो होता है वो M.Sc प्लस ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ये 6 साल का होता है. ठीक है, ये दोनों आप दे सकते हो. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं BA/BEd का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाते हैं. यहाँ पे जब आप इसको नीचे स्क्रोल करोगे, ठीक है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा है, ये सब पढ़ सकते हो, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा मेरे आने वाले वीडियोज पे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में साफ साफ क्या लिखा है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर पूरा पूरा यहाँ पे पढ़ोगे तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास प्लस टू और हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम और इन आर्ट स्ट्रीम विद एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट. ओके, यहाँ पे SC/ST के लिए 5% मार्क का रिलैक्सेशन होता है, मतलब 50% जनरल और OBC के लिए और 45% SC/ST/PWD कैंडिडेट के लिए. यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है 2019 में अगर आप पास आउट हो, 2020 में पास आउट हो, या फिर 2021 में आप अपियर कर रहे हो, या फिर आपने एग्जाम दे भी चुके हो तो आप एग्जाम मतलब दे सकते हो, अप्लाई कर सकते हो. लेकिन आप तो अभी एग्जाम दिए नहीं हो, 2021 का प्लस टू का एग्जाम हुआ नहीं अभी तक. ठीक है, तो ये होने के मतलब ये अगर नहीं भी हुआ तो भी आप एग्जाम दे सकते हो. ये है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन का प्रूफ. 2019 में पास आउट हो, 2020 में पास आउट हो तो दे सकते हो, क्योंकि RIEE 2 साल का गैप जो एज गैप देता है. ठीक है, हम बहुत मतलब 6-7 साल से हम RIEE को देख रहे हैं, खुद वहां पर 4 साल पढ़े हैं, तो ये चीज हमको पता है कि 2 साल से ज्यादा गैप होता है तो वहां पे प्लस टू के बाद वो अलाउ नहीं करते हैं. ये चीज दिमाग में
रखना है। दो साल से ज्यादा अगर गैप है तो आपको अलाउ नहीं करते हैं, दो साल गैप तक ही वो रखते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रेजुएशन वालों के टू ईयर बीएड के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको सारे के सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद प्रूफ में आपको दिखाऊंगा। तो 2019 में या फिर 20 में पास आउट हो तो आप दे सकते हो, या फिर इसी साल पास आउट होने वाले हो तो भी आप बीए बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली बीएससी बीएड का भी देख लेते हैं, बीएससी बीएड का भी यहाँ पे सेम चीज लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे जब चलोगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नीचे जब जाओगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे बीएससी बीएड का भी, ठीक है। थोड़ा नीचे जाओगे तो देखो यहाँ पे बीएससी बीएड का ओपन कर लो, बीएससी बीएड का भी ओपन करोगे तो पूरा सेम चीज लिखा होगा। देखो पूरा सेम चीज यहाँ पे लिखा होगा कि 2019, 2020 और 2021 वाले ही एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। बीएससी बीएड का भी सेम चीज है। देखो एमएससी ईएड का भी सेम चीज होगा, एमएससी ईएड का भी यहाँ पे सेम चीज होगा, हम आपको दिखाते हैं। एमएससी बीएड का भी यहाँ पे सेम चीज होता है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिलाय करो, कोई कहाँ से कुछ भी बोल देगा, ठीक है, और उसको देख के आप अपना कैरियर बर्बाद नहीं करना है। हम भी कुछ बोलते हैं तो भी उसको ऑफिशियली चेक करो, ठीक है, कोशिश करो ऑफिशियली चेक करने के लिए, ठीक है, क्लियर। देखो यहाँ पे 2019, 2020 और 2021, ये किसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये एमएससी बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। ये बीए बीएड एमएससी एड का, ये मतलब बीए बीएड बीएससी बीएड और एमएससी एड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ही है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे आप एक और बार दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, हाँ, ये बीएससी बीएड का हो गया, बीए बीएड का हो गया, बीएससी बीएड, ये देखो एमएससी एड कहाँ पे है, ये भी बहुत लोगों का डाउट होता है। एमएससी एड ऑल इंडिया लेवल में होता है और वो सिर्फ आरआई मैसूर में आप एमएससी बीएड पढ़ सकते हो। एमएससी एड का मतलब एमएससी बीएड, इसका मतलब एमएससी प्लस बीएससी प्लस बीएड, ये 6 साल का कोर्स होता है, ठीक है ना, 6 साल का पूरा इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। 15 सीट होता है सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ 15 सीट होता है फिजिक्स के लिए, 15 सीट केमिस्ट्री के लिए और 15 सीट मैथमेटिक्स के लिए, और ये सिर्फ आरआई मैसूर में होता है। टोटल 45 सीट सिर्फ आरआई मैसूर में होता है। इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लो, यहाँ पे क्या लिखा है, 2019, 2020 एंड 2021। दोस्तों ये दिखाने का मतलब ये था कि आप इधर उधर मत भटको, जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वहीं पे स्टिक टू रहो, और बाकी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। किसी को आंख बंद करके बिलीव करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पे भी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट में सब कुछ मिलता है, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलता है और भी बहुत सारी चीजें मिलते हैं, लाइक आपको प्रीवियस ईयर का 1 साल का क्वेश्चन पेपर मिलता है, हम आपको 5 साल का प्रोवाइड करते हैं हमारे कोर्स में, ठीक है। कोर्सेज क्या क्या है मिलता है, सीड मैट्रिक्स सबसे बहुत, मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो सीड मैट्रिक्स के ऊपर होता है। अगर हम चैनल कमेंट्स के ऊपर देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ कितना सीड है, यहाँ पे देखो बीएड के लिए 4 सीड है, ऐसा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सब को हम धीरे धीरे करके नेक्स्ट वीडियोज में डील करते रहेंगे, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, हाँ, और क्या हम बात करेंगे इस वीडियो में कि हाँ, आपका जो है सीड मैट्रिक्स आप लोग देख लेना, मैंने पूरा वीडियो अपलोड किया है और उसका प्लेलिस्ट भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है। उसमें 150 अप्रॉक्स वीडियो होंगे, 100 से ज्यादा मैंने अपलोड कर लिया, बाकी भी अपलोड वहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम सेंटर लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा, डोमिसाइल कौन सा डोमिसाइल होने से क्या कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो ये भी चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है, कौन सा डोमिसाइल आपका होना चाहिए अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। नेरी शिलोंग के लिए इन सब, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश वगैरह ये सब जो है, ये सब अरे भुवनेश्वर में बीएससी बीएड बीए बीएड और एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये पूरा देख लेना, मैं आगे जाके वीडियो में बताऊंगा भी आपको, ठीक है। तो रिलाय करो जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, कोई कुछ बोल देगा बिना जाने तो ऐसा मतलब ये नहीं कर देना है, पूरा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही आपको बिलीव करना है, बाकी आपका सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। और यहाँ पे मैंने आपको प्लस टू के बाद वाले एग्जाम का मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिखा दिया कि कौन दे सकता है। अब बीएड का देखो, 2 साल का जो बीएड होता है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आप कितना साल का गैप है, तो आप कोई भी साल, मतलब 2016 में 15 में भी की हो, 14 में भी की हो, तो भी आप बीएड का एग्जाम दे सकते हो। सिमिलरली एमएड का भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई एज, मतलब कब पास आउट हुए हो उसके रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बीएड एमएड के लिए ऐसा कोई ईयर गैप नहीं रहता है, लेकिन इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए जैसे बीए बीएड बीएससी बीएड और एमएससी एड के लिए जो है रहता है आपका एज का जो है क्राइटेरिया रहता है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेस्ड ऑन एज के रिलेटेड डिस्कस किया, और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल परचेज करना है, टेस्ट सीरीज परचेज करना है, तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के साथ कॉन्टैक्ट करके हमारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल ले सकते हो। देखो बहुत सारे बच्चे
पूछते हैं कि सर कौन सा किताब हम पढ़ें, तो किताबों का तो लिस्ट बहुत सारा है, क्योंकि कोई भी किताब में परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं था, इसलिए पहले मैंने आपको कुछ किताबों का लिस्ट दे दिया था, जिसको जल्दी है वो खरीद सकते हो। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि हम लोग अपना मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं, और अभी हमारा जो मटेरियल है वो कम्प्लीटली प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। सो यू कैन परचेज आर स्टडी मटेरियल एज वेल एज टेस्ट सीरीज, एज वेल एज हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुका है, और आज एक इंट्रोडक्शन क्लास होगा, और कल जो है वो अल्टीमेट बैच होगा। एक और वीडियो में लाके मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह किस तरह से होते हैं। तो स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज क्लासेस वगैरह परचेज करने के लिए आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, धन्यवाद।